उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरों के बीच अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का एक बयान सामने आया है। बोर्ड ने इसे सिर्फ अफवाह करार दिया है। बोर्ड द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि किसी की अभ्यर्थी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ये गलत खबरें हैं, इनका कोई सबूत नहीं है, परीक्षा सही तरीके से हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा होने के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका पेपर लीक होने की खबरें लगातार आ रही हैं। सोशल मीडिया अकाउंट स्क्रीनशॉट्स भी डाल रहे थे, जिससे जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए वे परेशान हो रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उधर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। खबरों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव हुई और पेपर लीक करने के मामलों से जुड़े लोगों की धरपकड़ शुरू की। जिला पुलिस बल और एसटीएफ ने इन मामलों में अब तक 287 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 16 फरवरी को आयोजित परीक्षा से एक दिन पहले ही जालसाज अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग के 122 सदस्यों को पकड़कर जेल भेज दिया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। UPPRPB ने पेपर लीक की खबरों को भ्रामक और पूरी तरह से असत्य बताया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा सही तरीके से नियमों के अनुसार हुई है और किसी को भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले बोर्ड ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया गया है। बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जाँच कर रहा है। रिपोर्ट वॉइस ऑफ इंडिया TV।